तो फ्रेंड्स फाइनली इसकी रील बन चुकी है काफी मुश्किल के बाद। सो यहाँ पे फ्रेंड्स माशाल्लाह यहाँ पे जो है मेरा खाना लग चुका है। यहाँ पे पूड़ी है, चिकन का सालन है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और लास्ट व्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि मैं साहिबा को कुछ ऐसा देने जा रहा हूँ, गिफ्ट या सरप्राइज गिफ्ट, जो कि वो मुझसे 2 साल से डिमांड कर रही थी लेकिन मैं उसको नहीं दे पा रहा था। तो फाइनली आज मैं उसको वो गिफ्ट दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या गिफ्ट है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो मुझसे 2 साल से बोल रही थी कि चलो ना जी एक दिन के लिए 2 दिन के लिए घर चलते हैं, मम्मी के घर पापा के घर रहने के लिए। तो ऐसा है कि मैं जाता हूँ ससुराल 6 महीने में एक बार, ईद बकरीद या फिर कुछ स्पेशल होता है तो चला जाता हूँ। वैसे साहिबा हमेशा जाती रहती है, उसका हर महीने में 2 बार 3 बार रहने नहीं जाती है क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह पाती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो वो जाती भी है तो बस दोपहर में जाती है, रात में वापस आ जाती है मेरे साथ। लेकिन उसका भी दिल है कि बहुत दिन हो गए थे कि चलो ना एक दिन रहते हैं। तो फाइनली जो है शादी की सालगिरह में मैंने बोला जब इतना गिफ्ट दिया हूँ तो मतलब क्यों ना ये भी इसको एक सरप्राइज दे दूँ। तो कल इसको मैंने आज हम लोग एक्चुअली आ चुके हैं वहां से मामू के घर से रहकर भी। तो आज है 28th of August, December, आज है थर्सडे का दिन और अभी सुबह 6 बज रहे हैं। तो हम लोग कल ही रात में आ गए थे, खाना ना खा के 10:30 बजे 11 बजे घर आ गए थे। तो फाइनली फिर मैं और साहिबा जो है परसों गए थे, कल परसों गए थे आज, हाँ तो हम लोग परसों शाम में गए थे और मामू मानी बहुत ज्यादा खुश हुए देख करके, अरे फाइनली शादन आया। सो काफी मजा आया वहां पर, एक दिन के लिए गए थे कल परसों। तो इसकी बहन अनमता वो हॉस्टल में रहती है तो वो भी आई हुई है, अभी छुट्टी चल रही है उसकी, तो वो भी थी तो वो भी इंजॉय कर ली हम लोग के साथ और बहुत मजा आया। अच्छा अच्छा खाना खाया, बैठ कर काफी बातें की और मामू मानी की एक ही शिकायत कि बेटा इस तरह से कम हर महीने या 2 महीने में एक बार आ जाया करो, हम लोग कभी कोई नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगा। रियान भी बहुत खुश हुआ रहकर। लेकिन अब साहिबा का एक डिमांड है और कि इतने सुबह व्लॉग क्यों स्टार्ट हो रहा है। इसने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है ऑलरेडी एनिवर्सरी में, माशाल्लाह काफी कुछ मतलब हाँ दे दिया, और बोली एक चीज और देनी होगी मतलब बताओ। तो बोले वो मुझे आज से नहीं, कम से कम जिस दिन डंकी जिस दिन मूवी रिलीज हुई थी, जिस दिन उसका फर्स्ट ऑफिशियली गाना आया था वो मैं लुट पुट गया, उस दिन इसने मुझे कहा था कि बाबू मुझे इस पे एक रील बनानी है। तो मतलब ठीक है कहाँ पर? तो इसने बोला था मुझे विक्टोरिया मेमोरियल के सामने में रील बनानी है। तो मतलब ठीक है बनवा दूंगा और लास्ट में पिक्चर रिलीज हो गई। आज 10 दिन हो, एक हफ्ता हो भी गया, अभी तक नहीं बना था। तो इसने मुझे कल रात में बोला कि अगर होगा तो सुबह चलोगे? तो ऐसे भी मुझे सुबह जाना ही है क्योंकि 2 दिन से मार्केट नहीं गया तो ना घर में सब्जी है कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला ठीक है मुझे तो जाना ही है तो चलो सब्जी भी ले लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे बाहर अच्छे से और इसकी रील्स भी शूट हो जाएगी तो वो भी ना, ये भी एनिवर्सरी गिफ्ट में चलो जब इतना दिया तो ये भी सही। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 11:45 और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। सो चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा बहुत ज्यादा थका हुआ क्योंकि सुबह 6 बजे से उठा हूँ। एक्चुअली रात में तो सो गया था 12 बजे लेकिन सुबह 6 नहीं, मैं उठा हूँ 6:45 और उसके बाद एक जरा भी लेटा नहीं हूँ तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। चेहरे से भी समझ में आ रहा होगा तो बस अभी खाना खाऊंगा और थोड़ी देर बस बात बात करेंगे, उसके बाद मैं लम लेट हो जाऊंगा। सो खाने में क्या एक्चुअली दिखा देता हूँ, फिर बस इतना ही शूट थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे फ्रेंड्स माशाल्लाह यहाँ पे जो है मेरा खाना लग चुका है। यहाँ पे पूड़ी है, चिकन का सालन है और ये मोमानी जो मेरी सास है ये मेरा फेवरेट है सासू माँ के हाथ का, क्या मटर और आलू और टमाटर। और मटर जो है मेरे ससुर का बहुत जान है, मतलब मुझे बहुत पसंद है और ससुर को जी को भी। तो चलो ये बहुत चीजें जो हम लोग की मिलती जुलती हैं। और यहाँ सैलेड है और यहाँ पे टिकिया है, शामी टिकिया, सो ओवरऑल यही है माशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग कम्प्लीट करते हैं फिर, और यहाँ पे चावल भी है। सो बस यही है खाना तो खा लेते हैं फिर, अगर कुछ होता है एनर्जी बचेगी तो व्लॉगिंग करेंगे नहीं तो मिलते हैं फिर आपसे कल। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी खाना चल रहा है दोपहर का और यहाँ पे बना है क्या बोलते हैं इसको, फिर भूल गया, मद्रासी बिरयानी और ये दालचा, क्योंकि मोमानी एकदम है झारखंडी हम लोग की, जमशेदपुर की है तो इनको दालचा बहुत अच्छा आता है तो ये डिमांड पे था, दालचा बनाई है। और ये साहिबा ने बनाया बहुत मेहनत से, सलाद खीरा काटा है, प्याज काटी है, धनिया काटा है, उसके बाद मिलाई है, बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनती है ये। और यहाँ पे अनमता है, देखो अनमता, और ये इस बार डलने वाला है। और यहाँ पे जरियान है, मोमो है, मोमो भी हम लोग साथ ही आया हुआ है
और आलू जो है इसमें एक्चुअली आलू नहीं डलता है, लेकिन साहिबा आलू अलग से फ्राई करवाइए बोल के, क्योंकि जरियान बिना आलू के खाता नहीं है, तो वो तो ये गोश्त खाता नहीं है, तो उसको ऐसे ही आलू मसल के खिला देगी। तो जब तली है तो ज्यादा तली है, हम लोग भी एक एक ले लेंगे, हमने कौन सा गुनाह किया है। सो ओवरऑल मसला यही है खाना, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। 2000 years later. So friends, हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी सबसे पहले अपने फेवरेट डेस्टिनेशन में आ गए हैं, छोला भटूरा खाने। तो मैं और साहिबा जरियान हम लोग तीनों ही है माशाल्लाह। सो यहाँ पे साहिबा है, जरियान है और हमारा बन रहा है छोला भटूरा। चलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी विक्टोरिया मेमोरियल आ गए हैं और नाश्ता कर लिया हमने, आपसे दिखाया ये छोला भटूरा खाए जो हमारा फेवरेट नाश्ता है वो, और साथ में चाय पिए। और अभी यहाँ पे तो हम लोग आए थे, मुझे नहीं पता था कि विक्टोरिया जो इतने सुबह खुल जाता है, तो ऑलरेडी सुबह 5:30 बजे ओपन हो जाता है विक्टोरिया मेमोरियल। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ, तो अगर आपको विक्टोरिया ना सुबह 5:30 बजे खुलता है, लेकिन ओनली फॉर जॉगिंग, मतलब जॉगिंग वाला, मतलब ये पूरा गार्डन आपको अंदर आने देगा। 20 रुपये जो उसका टिकट है वो लगेगा, और 3 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसका भी टिकट लगेगा, तो 20 रुपये पर हेड है। और आप देख सकते हैं मतलब पीछे मेरे जो है खूबसूरत सा विक्टोरिया मेमोरियल है, हम कोलकाता वालों का ताजमहल, वही वाली फीलिंग आती है इसको देखकर। और हम लोग कोलकाता के रहने वाले हैं, उसके बावजूद मुझे लगता है बचपन से आज तक मैं 4 या 5 बार आ रहा हूँ। लेकिन जो मेन जो हॉल है विक्टोरिया मेमोरियल का, जो ये आपको है इसके अंदर जाना है, एक हॉल होता है, तो वो खुलता है 10:30 बजे से। लेकिन अगर आप सुबह आना चाहते हैं अगर यहाँ पे, तो आप 5:30 बजे के बाद आ सकते हैं। अभी बज रहे हैं 7:05 और हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं साहिबा की रील शूट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से व्लॉग बनाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसकी रील बन चुकी है काफी मुश्किल के बाद। सो अब फाइनल अगर आपको रील देखनी है तो प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। सो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाने का तो नहीं है, क्योंकि ये गार्डन है पूरा। सो गार्डन में क्या ही दिखाऊं, नॉर्मल से गार्डन है जहाँ बहुत हर तरह के फूल है, यही सब है। सामने में फ्रेंड्स एक छोटा सा पॉन्ड है, तो वहां भी लोग बैठते हैं आकर। और ये देखिए सामने द 42 बिल्डिंग, कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये, और यही है बस। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि सुबह सुबह यहाँ पे 5:30 बजे के बाद आने देता है, अब कभी भी होगा तो सुबह आ सकते हैं यहाँ पे, मजा आ रहा है। सही वाला पॉइंट है जहाँ मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे बैठने का, आराम से बैठो, चिल करो, खाने वाने का। और यहाँ पे जो प्लास्टिक अलाउड नहीं है और खाना पीना भी अलाउड नहीं है, चेकिंग करते हैं, अगर होगा तो वो लोग बाहर ही जमा कर लेते हैं, फिर आप जब निकलोगे तो आपको वो लोग वापस कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ भी प्लास्टिक का सामान या खाने पीने का सामान अलाउड नहीं है, तो बस यही है और क्या। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ऊपर जो है सूरज भी आ चुका है, और अब हल्की हल्की धूप भी है, ठंड भी है मौसम, और हल्की हल्की धूप की गर्मी भी है, गर्माहट आ रही है, तो मजा आ रहा है। और जरियान तो बोल रहा है यहीं रहो पापा, 10 बजे के बाद जाएंगे, तो इसका बस चले तो यहीं रह जाए अभी, और शाम तक रहेगा यहाँ पे, क्या करेगा बता, इधर इंजॉय। सो यही है फ्रेंड्स, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो फ्रेंड्स यही है। सो अब चलिए यहाँ से हम निकलते हैं, और एक जगह और चाय पियेंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। सो आई होप कि मजा आया होगा आपको भी, तो जितना मुझसे हुआ भी मैंने आपको शेयर किया। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, और चाय पीते हुए हम लोग जाएंगे कहाँ अपने, और सब्जी भी लेनी है, तो अभी हम लोग सब्जी नहीं लिया, फिर सब्जी लेते हुए घर जाएंगे। विक्टोरिया से निकल गए और अभी अपने वहाँ पे आ गए जहाँ हम लोग इससे पहले चाय पिए थे। यहाँ पर चाय भी हमारी आ गई है, पीना भी मेरी तो आधी हो भी गई। यहाँ जरियान भी चाय बिस्किट खा रहा है, क्योंकि वहाँ पे छोटा मोटा सिर्फ एक ही पीस खाया आज, पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं रहता, तो यहाँ पे चाय और बिस्किट एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे साहिबे की चाय है, और मैडम यहाँ पे है, और कुछ। अब जो है माशाल्लाह इस साल की एनिवर्सरी समाप्त करते हैं, अब गिफ्ट इंशाल्लाह अगले साल, अल्लाह रखा तो इंशाल्लाह अगले साल मुलाकात होगी एनिवर्सरी का लेकर। चलो तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से चाय पीते हैं, फिर घर निकलते हैं, और घर जाके हम लोग क्या करेंगे, अभी सोएंगे, तो अब आराम से उठूंगा, तब आपसे फिर मैं मिलता हूँ। 2000 years later. सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 11:05, और अभी जस्ट हम लोग जो है खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, तो और कुछ शूट नहीं कर पाया पूरा दिन, क्योंकि फिर हम लोग आकर सो गए थे और काफी देर से उठे, फिर अपने अपने काम में लग गए थे, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। तो अभी खाना खाने बैठे हैं, और आज खाने में है यहाँ पे
फ्राइम्स जिसको हम लोग बैडमिंटन पापड़ भी बोलते हैं, और यहाँ पे चावल, क्योंकि आज हम लोग दोपहर में जो चावल नहीं खाए थे, दोपहर हम लोग खा लिए थे पराठा और सब्जी, अम्मी पटल आलू की सब्जी थी तो साहिबा पराठा बना लेते थे, हम वही खा के हो गया था। तो रात में चावल की, चावल का दिल हो रहा था क्योंकि एक टाइम तो चावल चाहिए। और यहाँ पे जो है कुकर में है पालक गोश्त का सालन जो कि मैंने बनाया आज। खोलो, ये देखो फ्रेंड्स, तो देखने में तो काफी यमी है, अब देखते हैं खा के। मैंने बनाया तो माशाल्लाह अच्छा ही होगा, नो डाउट। क्या बोलती है साहिबा? और यहाँ पे जो है कुछ मूली के टुकड़े, चाटो और नहीं मूली, बस यही है। तो बस यही है माशाल्लाह खाने में। और यहाँ पे जरियान बैठा हुआ है। और अम्मी कैसी हो? सलाम दुआ कर लो, बहुत दिन हो गए। सब पूछते हैं सब्सक्राइबर लोग, कहाँ है आपकी अम्मी? तो यहाँ है अम्मी, अपना हाथ दिखाओ भाई, सब पूछते रहते हाथ का क्या अपडेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आप लोग की दुआ से जो है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम हुआ है भाई, हाथ बिल्कुल सही है। पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि वो क्रीम भी दिए थे डॉक्टर साहब ने फिर बाद में, तो वो लगा लगा के जो बिल्कुल खत्म हो गया वो चीज, कहीं तो दाग नहीं, यहाँ थोड़ा सा रह गया, दिखाओ तो, ये बस, ओ यहाँ पे, चलो अल्लाह का शुक्र है भैया। और यहाँ पे मोमो को ठंड लग रही है आज, ठंड फिर अचानक से थोड़ी सी बड़ी है अभी रात में, तो एकदम अंदर में घुस गया, जिस दिन ठंड होती है तो निकलता ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब खाना ना खाते हैं, फिर खाना खा लूं, फिर आपसे मिलता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा खाना निकल चुका है, यहां पे उर्शी निकाल रही है अपना, यहां पे अम्मी का भी निकाल दिया है, शायद साबे बैठेगी। सो बस यही है। सो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपसे मैं मिलता हूं, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूं। सो फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग में आपसे मैं यहीं इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आज का आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज के व्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और अपना ढेर सारा प्यार यूं ही बरसाते रहे। सो फिर चलिए फ्रेंड्स, और मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नए और धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और बाय।